नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, जो क्लास ट्वेल्थ के पार्ट सेकंड केमिस्ट्री में हैलो एल्केन्स हैलो एरिन्स चैप्टर से रिलेटेड हैं। देखिए इसमें करना क्या है कि ड्रा दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ड्रा करना है ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी जो नीचे रिएक्शंस दी गई हैं, अभिक्रियाएं दी गई हैं, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसी को हम लोगों को देखना है। देखिए आपका ये साइक्लिक रिंग है, इससे OH जुड़ा है तो थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और फिर आप यहाँ देख पा रहे होंगे नाइट्रो ग्रुप यहाँ पैरा पोजिशन पर जुड़ा है, और यहाँ आप देखें एथिल ग्रुप आपको ब्रोमीन के प्रेजेंस में हीट या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड आपको दिया गया है यहाँ बेंजीन रिंग से, देखें पैरा पोजीशन पर OH, और यहाँ CH2OH ग्रुप है और HCl से रिएक्शन करवाना है और साथ में हीट देना है तो प्रोडक्ट यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बताना है। और ऐसे ही यहाँ देखें साइक्लिक एक रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के कार्बन से ही मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, HI से क्रिया करवाना है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखें नेक्स्ट है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये ब्रोमो एथेन है और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन आप पढ़े हैं तो प्रोडक्ट यहाँ बनाना है। और यहाँ साइक्लिक रिंग है और रिंग में एक डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाना है, साथ में हीट या सनलाइट आप देंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। देखते हैं एक एक करके सब, ठीक है। फर्स्ट देखिए अलग कर लिए हैं इसको तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी और प्लेस भी मिल जाएगा, इसलिए इसको अलग किए हैं। देखिए देखिए ये साइक्लिक रिंग है और साइक्लिक रिंग से OH जुड़ा है तो ठीक आपको उसी तरीके से रिएक्शन करवाना होता है जिस तरीके से आप एल्कोहल से, जैसे ROH से आप थायोनिल का क्रिया करवाएं। देखें थायोनिल की क्रिया, यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, ठीक। अब आप अगर रिएक्शन करवाते हैं तो होगा क्या, एक H एक Cl, यहाँ देखिए एक H एक Cl से रिएक्शन करके HCl बना लेगा, और साथ ही साथ यहाँ देखें ये O है, जो O है ये यह O यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा और SO2 फॉर्म करेगा और Cl यहीं जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बना आप समझ गए होंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पर RCl SO2 और क्या बना आप चेक कर पा रहे होंगे, HCl भी बना, ठीक। तो ये भी गैस है, ये भी देखें यहाँ पर गैस है, बाई प्रोडक्ट गैस के रूप में निकल रहा है, तो ये तो बेस्ट मेथड होता है एल्किल हैलाइड बनाने का। ठीक एकदम ऐसे ही आपको यहाँ पर भी प्रोडक्ट को बनाना है। देखिए क्या होगा, केवल OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, उसी के प्लेस पर क्या जुड़ेगा Cl और SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही साथ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये दोनों गैसें निकल जाएंगी और ये आपका क्लोरोहेक्सेन बन जाएगा। हेक्सेन ध्यान देना, ये बेंजीन नहीं है, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए ये है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो देखिए होता क्या है कि ये तो बेंजीन रिंग है, आप देख पा रहे हैं बेंजीन रिंग है और इसके पैरा पोजीशन पर यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे एथिल ग्रुप। तो जब भी ब्रोमीन से क्रिया करवाएंगे, हीट या सनलाइट कुछ भी आप देंगे तो ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है कि NO2 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, NO2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर आपको ये जानना है कि किस प्लेस पर ब्रोमीन जुड़ेगा, क्या यहाँ लास्ट में यानी टर्मिनल पर आप जोड़ेंगे
या फिर यहाँ पर आप जोड़ेंगे, तो ध्यान रहे अगर लास्ट में जोड़ेंगे तो प्राइमरी, प्राइमरी देखें, प्राइमरी एल्किल हैलाइड यहाँ फार्म होगा, है ना, है तो पूरा कंपाउंड ये एरोमेटिक है ना, लेकिन यहाँ इतने की बात कर रहे हैं अभी। अगर आप यहाँ पर जोड़ते हैं इस कार्बन पर तो यहाँ सेकेंडरी, और आपको पता है कि टर्शियरी जो हैलाइड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, तो निश्चित रूप से यहाँ दो ही चांसेस बन रहे हैं, टर्शियरी कोई बात ही नहीं, तो आपको सेकेंडरी देखने को मिलेगा ज़्यादा स्टेबल, इसलिए यहीं पर, यहीं पर ये क्रिया होगी, अर्थात जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, NO2 पर कोई भी वहाँ क्रिया नहीं होने वाली। ठीक, NO2 जैसे है वैसे ही रहेगा, यहीं पर केवल आपको देखने को मिलेगा जहाँ CH2 देख रहे हैं, यहीं पर CH2 जहाँ आप देख पा रहे हैं यहीं पर CH हो जाएगा, और यहीं एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक H यहाँ से जो रिप्लेस हुआ वो दूसरे ब्रोमीन से क्रिया करके HBr अभी बना देंगे, और यहाँ CH3 ऐसे ही रहेगा, है ना, बनेगा वो भी प्राइमरी वाला, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, यहाँ मेजर हम लोगों को जानना है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और HBr भी साथ में बनेगा, उसे भी आप यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं ये सब रिएक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है कि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है और CH2OH है, HCl क्रिया करवाना है, हीट भी यहाँ पर देना है, तो देखिए होगा क्या। सिंपल है, आप जान रहे हैं ठीक उसी प्रकार से, यहाँ पर तो इजी है, बस केवल क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा OH रिप्लेस हो जाएगा, यहीं पर Cl OH के प्लेस पर चला जाएगा, और ये OH इस CH से क्रिया करके H2O बना लेगा, क्या बन जाएगा, H2O, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं H2O बन गया, और साथ ही साथ यहाँ देखिए क्या होगा कि ये जो देख रहे हैं केवल यही इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और कुछ विशेष नहीं, यहाँ थोड़ा इसके डबल बॉन्ड को इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक, यहाँ OH, और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर CH2Cl आप जोड़ लीजिए, CH2 आगे प्लेस नहीं है, इसी कार्बन से Cl जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, CH2Cl, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ इस OH पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जानते रहिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन आप जान रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड जिस तरीके से, देखिए आप मार्कोनी का ऑफ रूल याद रखिए, मार्कोनी का ऑफ रूल, यहाँ HI को अगर आप देखें, HI तो इसमें ये तो पॉजिटिव पार्ट है, यानी पार्शियली पॉजिटिव यहाँ रखेंगे, देखिए चार्ज इसकी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा और आयोडीन के ऊपर पार्शियली निगेटिव, और यहाँ देखिए किस तरीके से ब्रेकिंग होगी, आप जान रहे हैं यहाँ अगर इस तरीके से ब्रेकिंग होती है, ऐसी ब्रेकिंग इस तरीके से, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव, है ना, पार्शियल होते हैं आप बना लेंगे। अब देखिए ये टर्शियरी कार्बोकेटायन हो गया यहाँ, अगर इधर से आप ब्रेक किए होते, जैसे अगर आप ये ऐसा ब्रेक किए होते, देखिए तब क्या होता, आप समझें, अगर इस तरीके से ब्रेक किए होते, यहाँ CH3 रहता, अगर ऐसा ब्रेक करते तब यहाँ पॉजिटिव आ जाता, यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ पर आप चेक करिए, इस कार्बन पर देखें, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही है, लेकिन यहाँ पर इसमें आप देख पा रहे होंगे टर्शियरी हुआ, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसी के तरीके से ये क्या होगा, ब्रेक करेगा, यानी आप मार्कोनी के आप रूल याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हम लोग मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। देखिए तो सिंपल है, ये ऋणात्मक वाला पार्ट यहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव इससे जुड़ जाएगा, और इसका पॉजिटिव जा करके यहाँ जुड़ जाएगा, है ना, तो देखिए क्या बनेगा इसमें, आइए देख लेते हैं अब।
प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखें, अगर आप ध्यान से देखें जरा प्रोडक्ट चेक करें तो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा होगा। देखिए प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सिंपल है इस तरीके से। यहाँ डबल बॉन्ड तो अब ये ब्रेक कर गया है, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया। आप हाइड्रोजन चाहे तो जोड़ें या फिर दिखाने को वैसे आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपका CH3 और यहीं पर आयोडीन जुड़ जाएगा, ठीक है। एच यहाँ पर, एच आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी हो ही गया, आप समझें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, याद होगा तो ये क्या है, हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, आप जानते होंगे। इसमें सिंपल है, बस सोडियम सोडियम ब्रोमीन से क्रिया कर लेगा और इसके पास आयोडीन आ जाएगा। मतलब हुआ क्या, देखें CH3 CH2 और यहीं पर आयोडीन आप जोड़ देंगे और साथ ही साथ ये NaBr बन जाएगा, NaBr, ठीक है। तो देखिए हाइलोजन का केवल एक्सचेंज हुआ यहाँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन इसी को आप कहते हैं। सिंपल है, याद रखें, यहाँ सोडियम के साथ ही। और ये विशेष रूप से अगर आप चेक करेंगे, जैसे आयोडो एल्केन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखें इसे, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आप देखें, देख पा रहे होंगे, ये आपका एक साइक्लिक रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड है। ब्रोमीन से अगर आप क्रिया करवाएंगे हीट या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान दें। आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा विकल्प दे रहे हैं हम, आप बताएं कि क्या इसमें बनेगा, बताइए क्या ये बनेगा, यानी यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा और यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा। बी विकल्प देते हैं, ये आपका ये साइक्लिक रिंग, डबल बॉन्ड एस सच रहेगा, ये उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ेगा और वहाँ का एच जो है वो दूसरे वाले ब्रोमीन से क्रिया करके एच बी आर बना लेगा। तो इसमें आप बताएं कौन सा प्रोडक्ट होगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अच्छा अब आप ध्यान से देखें, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ये हीट या फिर ये सनलाइट या फिर यूवी अल्ट्रावायलेट लिखा रहता है, और अगर साइक्लिक रिंग है उसमें डबल बॉन्ड है, तो निश्चित रूप से डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर जो ये ब्रोमीन है वही क्या होगा, वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब प्रतिस्थापित करेगा। तो इसमें जो विकल्प होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, ध्यान दें, इसमें ये बी वाला विकल्प करेक्ट होगा, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको याद रखें, ठीक, ये इसमें नहीं बनेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर अगले वीडियो में पुनः आएंगे। थैंक्स।